हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये बताएं, परी की जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट आते थे, बेचारी परेशान ही रहती है। हम तो सोच रहे हैं कि एक दिन अपना झोली बोरी बिस्तरा उठाए और परी के साथ चले जाएं। कैसे ये इतनी मुश्किल में पड़ी है कि क्या बोला जाए। स्वागत करते हैं आंचल आपका सासुर बिटिया में। यार शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही बढ़िया बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताएं, आपकी जिंदगी में ना जो परी की जिंदगी है ओ में बढ़िया बढ़िया कछु नहीं चल रहा है, सभी अबढ़िया कभी चल रहा है। नहीं चलता, कोई चलने सही बात है। अच्छा ये बार ही कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है? वो हम देखे हैं प्रोमो कि पति देव को का उन्हें गिरफ्तार, वो किडनैप कर लिया है। पतिदेव जेल में जा चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया है कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है। तो अभी फिलहाल परिणीत अपना सब कुछ डिटर्मिनेशन से ये उसने ये ठान लिया कि मैं कैसे भी करके उनको बेकसूर साबित करके रहूंगी। तो बस उसी के लिए मैंने ये गेटअप भी लिया हुआ है अच्छा बंजारन का। तो अच्छा तो मतलब या बहरूपिया वाला लुक आया है आपका। तो ये बताइए, बंजारन बंजारन बन के पूरा कहाँ कहाँ जासूसी करने जा रही हैं आप? ये मैं राकेश के घर में जासूसी करने जा रही हूँ कि वो जिंदा है, जिनको ये बोल रहे कि उन्होंने मार दिया पर वो जिंदा खड़ा है मेरे सामने। अच्छा, ये वही राकेश है ना जिसके साथ आपका रिश्ता तय हुआ था? जी, बिल्कुल ये वही है। अरे मतलब कहानी बहुत ही, हम तो वो शादी वाला देखे हैं भाई, क्या ड्रामा हुआ है। जो ड्रामा हुआ मतलब ऐसा ड्रामा अभी तक हम नहीं देखे थे। एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ घर वाली बाहर वाली के किस्से में। हमें तो राजीव से पूछना चाहिए, भैया आप इतने टेंशन में क्यों हैं? कौन चाहिए, परिणीति चाहिए या नीति चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप उनसे कौन चाहिए उन्हें। अच्छा आप बताइए कि जो परिणीत है वो तो राजीव के लिए अपना बहुरूपिया बन गई है, तो वहीं दूसरी ओर नीति भी अपना अपना कोई ना कोई गेम खेल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कहेंगे, ये जो सहेलियां जो सौतन बन गई थी, फिर से सहेलियां बनने की बारी आ गई है? मेरी तरफ से तो वो सहेली हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगी। वो मेरे बीच में कभी ना आया है ना कभी आएगा। हाँ, ये थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाती है कि अरे यार ये मेरे पति को शायद छीन रही है, लेकिन मेरे तरफ से नीति मेरी जान है और मैंने कभी उसको सौतन ऐस देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब राजीव मेरे पति है और पत्नी धर्म निभाते हुए मुझे उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं तो बहुत क्लियर इंटेंशन से उनको बाहर निकाल रही हूँ। मेरा ऐसे कोई अपना ये नहीं है कि मुझे अच्छी बीवी बनना है या अच्छी बहू बनना है। मैं तो बस ये चाहती हूँ वो बाहर आ जाए। अब लोग शायद इसको गलत समझे या गलत ये करे, लेकिन मेरे इंटेंशंस बिल्कुल सही है, मेरा रब जानता लेकिन है। जी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमें लगता है नीति जो मैनिपुलेट हो जाती है उन्हीं को लगने वाला है गलत। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप दोनों को मौका मिल जाए कि जो दोनों सहेलियां फिर से सहेलियां बनकर जासूसी करें, तो क्या बनना चाहेंगी आप दोनों? कौन सा रूप धारण करना चाहेंगी ये बंजारन के अलावा? मैं सरदार बनना चाहूंगी, फुल सरदार गेटअप पे, मतलब वो पग वग पहन के, फुल ऑन कोट वोट पहन के कहीं जासूसी करने अरे वाह, मतलब अभी मतलब आपने ये बोल दिया है, हमें लगता है आपके प्रोड्यूसर साहिबा सुन रही होंगी। अब तो आपको पता लगाना है सच, तो कभी पंजारन तो कभी ये तो कभी वो, हो सकता है पंजाबी लुक भी आपको मिल ही जाए। मिल जाए, यू नेवर नो। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, पति इतना बड़ा धोखा दे दिया है, अगर हम रियल जिंदगी की बात करें तो औरतें तो मार लात मार के, घूंसा मार के, चप्पल मार के एकदम दूर बगल कर दे ऐसे पति को। लेकिन हमने देखा है परिणीत, वो अभी भी अपनी जान दिए बची है राजीव पे। तो जानना चाहेंगे राजीव में ऐसा क्या है? आई थिंक परिणीत जैसा आज के दुनिया में कोई नहीं होता। परिणीत सेल्फलेस लव करती है, उसके लव के कोई कंडीशंस ही नहीं है। मतलब आप किसी से प्यार करते तो आप ये एक्सपेक्ट भी करते कि सामने वाला भी ऐसा कुछ करे तभी मैं प्यार करूंगा, पर नहीं, परिणीत बहुत सच्चे दिल से प्यार करती है विदाउट एनी कंडीशंस। तो उसको कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। उसका उसका प्यार बहुत ही प्योर है, बहुत ही पायस है, बहुत ही वो जो पहले जमाने में होता था। पहले जमाने में प्रेम का मतलब बहुत अलग होता था और आज बहुत बिल्कुल अलग हो चुका। तो ये परिणीत वैसी है, तो ये चीज मुझे इसके बारे में बहुत पसंद है कि ये रिश्ते निभाती है तो पूरे दिलो जान से निभाती है। देखिए, परिणीत तो अपना रिश्ता निभा रही है, बाकी राजीव इतने कंफ्यूज दिखा। अच्छा परिणीत से जाना चाहेंगे, परिणीत को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं राजीव अब भी परिणीत से प्यार करते हैं,
क्योंकि जो शादी में ड्रामा हुआ उससे तो ऐसा ही लगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मतलब उन्हें उन्हें प्यार है या कुछ है वो उन्हें भी नहीं पता, वो ये भाग रही है फीलिंग से कि नहीं मुझे इससे नहीं हो सकता, शायद मैं इसको एज दोस्त मानता हूँ, मैं इसकी बहुत केयर करता हूँ लेकिन मुझे इससे प्यार नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीजें ही प्यार का प्यार के पड़ाव होते हैं जो वो समझ नहीं रहे हैं, और पर ये सब चीजें छुपाए नहीं छुपती तो ऐसे सिचुएशंस में बाहर आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी है लेकिन वो ये एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रहे। चलिए आगे चलकर एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी क्या ही कर लेंगे, एक बीवी को कैसे छोड़ेंगे, प्यार तो उनसे भी करते हैं, एक ही टाइम पे दो दो बीवियों से प्यार कैसे किया जाता है। अच्छा पता नहीं एक बात वो भी एक आगे बात क्या क्या नहीं, वो भी अपने फीलिंग से बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे लेकिन वो जल्द समझ जाएंगे। अच्छा लेकिन एक बात में मान लीजिए कल को बोले कि नहीं परिणीत हम तुमसे भी प्यार करते हैं और हम उसको भी नहीं छोड़ सकते नीति को, तो ये बताइए ये सौतने हैं ये कैसे परिवार बनाएंगे। देखिए एक अभी हम रियलिटी में देखे हैं एक देश में एक जोड़ा ऐसा ही है, पति एक है बीवियां दो हैं और हंसी खुशी रह रही हैं बीवी बच्चों के साथ, तो आप लोगों से नहीं भी जान सकते हैं ये कहानी उसी ट्रैक पे तो नहीं जा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे ही कभी नहीं हो सकता, और देखते हैं पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन वैसे तो नहीं होगा। अच्छा लेकिन अभी मान लीजिए आप जासूसी तो कर रही हैं लेकिन परिणीत के दिल से जानना चाहेंगे, परिणीत को डर नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत हो जाए परिणीत के साथ? बहुत डर लगता है और बहुत कुछ उसके साथ पहले गलत हुआ भी है, उसने पहले भी बहुत चीजें करने की कोशिश की, बहुत वो तकलीफ में थी फिर भी उसने लोगों की मदद करने की कोशिश की, फिर उसके वजह से और उसको परेशानी हुई लेकिन वो फिर भी चीजें करती रहती है, वो निडर कहीं ना कहीं है ही, सरदारनी है तो वो निडरता तो अंदर है ही, तो बस वो चल रही है क्योंकि अगर आप सही हो तो फिर भगवान जी भी आपके साथ ही होते हैं, तो बस कर रही है बिल्कुल वो। और बिल्कुल आई होप बिल्कुल, देखिए नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब है परनीत का। अब आंचल से जानना चाहेंगे, आंचल एक बात बताइए परनीत का किरदार करते करते आप कितना परनीत में ढल गई हैं, अपने आप को कितना परनीत की तरह देखती हैं? तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई एक कैरेक्टर प्ले करते हैं आप अपना कुछ उस कैरेक्टर को देते हैं और वो कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखते भी हैं। परिणीत से मैंने बिल्कुल बहुत चीजें सीखी, जैसे कि मुझे परिणीत की वजह से मेरे लहजे में कुछ ठहराव आ गया है क्योंकि परिणीत एक तरीके से बात करती है और मैं जरा सा मैं एक तरीके से बात करती हूँ, तो उसके वजह से मेरी जिंदगी में कुछ ठहराव आ गए हैं। ऑब्वियसली कभी कभी मेरे मुंह से बाबा जी निकल जाता है, हे वाहेगुरु जी निकल जाता है, विच इज वेरी क्यूट, विच इज वेरी गुड आई फील। एंड हाँ, बहुत सी इनोसेंस आई थिंक परिणीत की बहुत उसकी यूएसपी है, वो मैंने सीखी है, मैंने समझी है। अरे वाह, फिर तो मतलब आपकी मम्मी परनीत का धन्यवाद करती होंगी कैसे उनकी बदमाश बिटिया रानी में ठहराव आ गया है। क्यों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंचल भी कहीं ना कहीं ऐसी ही थी, तो काफी सिमिलरी है परिणीत और आंचल, लेकिन आंचल गलत के खिलाफ बोलती है सही टाइम पर और इतना नहीं सह सकती वो, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बोलेगी, परिणीत शायद नहीं बोलेगी। अच्छा परनीत की ऐसी कौन सी बात है जो आंचल बिल्कुल भी नहीं चाहेगी अपने अंदर ढालना? अंधा प्यार, आज के टाइम पे आप किसी से अगर अंधा प्यार करोगे तो आप ही को तकलीफ होगी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज्यादा रखोगे तो आप ही को तकलीफ होगी, तो ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं अपने अंदर लेना चाहती हूँ क्योंकि फिर वो सही बात नहीं है ना, कि अगर सामने वाला बिल्कुल भी आपको समझ नहीं रहा है, आपको इतना ज्यादा स्टूप डाउन करा रहा है फिर भी आप उससे प्यार कर रहे हो, आप सब चीजें भूल रहे हो, आप उसको माफ कर रहे हो, ये सब चीजें अभी के टाइम पे आई डोंट थिंक सो इतनी ज्यादा करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। और कौन सी ऐसी बात है आंचल की जो आंचल परिणीत को देना चाहेगी? सही टाइम पे बोलना, गलत के लिए आवाज सही टाइम पर उठाओ, और अरे गलत वाह चीजें ना, गलत मतलब चीजें करने वाले से ज्यादा गलत होता है गलत चीजें सहने वाला, तो मैं उसको बस ये बताऊंगी कि सहम मत इतना। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट आई है आपने पढ़ा है और फिर अचानक आंचल के अंदाज में बोला हो कि ऐसे कैसे कर सकती है परिणीत, कभी ऐसा हुआ हाँ हो? बहुत
हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। मैंने कहा यार क्या यार, ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये वो, पर बड़ा मजा आता है कभी जब भी स्क्रिप्ट आती है। आप उसे अपना बना लेते हो। मैं तो इमेजिन, मुझे तो याद हो गई है कि अब परिणीत इस सिचुएशन में क्या बोलेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। तो नाउ इट्स मोर फन, क्योंकि जब आपको एक कैरेक्टर समझ आता है, आप उसको जीने लगते हो, कैरेक्टर आपके साथ ग्रो करता है, बिल्कुल और वही चीजें आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो मुझे अभी परिणीत फील होती है, परिणीत के साथ कुछ गलत होता है मुझे बुरा लगने लगता है, मैं ट्रॉमा में रहती हूँ, अरे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत अपना मान के हर कैरेक्टर को चलती हूँ और जीती हूँ। ये तो बात सही कही, लेकिन देखिए परनीत जब इतना ढल जाती है अंदर, तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर परनीत का चोला उतारा और घर पहुंच गई आंचल, और घर में ऐसा कोई किस्सा हुआ हाँ हो कि अचानक परनीत आंचल के अंदर से बाहर निकली हो मम्मी के सामने और मम्मी देख के हैरान, ऐसा कभी हुआ है? पहले पहले ऐसा होता था, पहले पहले मैं वही, क्योंकि पहले पहले बहुत इमोशनल टर्मोइल्स हुए हैं, जैसे कि परिणीत के बाऊजी गुजर गए, फिर उसकी शादी हुई, फिर राजीव उसको छोड़ के चले गए, तो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग वाले सीन्स थे। तो मैं घर पे जाके भी वही जोन में रहती थी, मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली तकलीफ होने लग गई। तो मैंने बस अभी यही सीखा है कि कैरेक्टर को एक्शन एंड कट के बीच में रखो, कट के बाद भी उसको अपने अंदर ये करने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली आप जब रोज एक चीज निभा रहे हो, आप 12 घंटा यहाँ पर काम कर रहे हो, फिर घर पे जाके भी आप अगर वही इसमें रहोगे तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रेशर गिरता है। तो इसलिए वो टर्न ऑफ टर्न ऑन वाली चीज मैंने अपने अंदर इंडल्ज करने की कोशिश की है। मतलब परिणीत के किरदार ने आंचल को एक स्विच दे दिया है, क्यों? हाँ एक जी बिल्कुल। तो जैसे ही मुझे ना यहाँ बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हंसती रहूंगी या बोलती रहूंगी, जैसे ही एक्शन बोलेंगे मैं एकदम ऐसे सीरियस हो जाऊंगी। तो उसके लिए ये वीडियो बात बनाना है, चाहिए। बिल्कुल वीडियो बनाना अब चाहिए। ये बताइए कोई एक किस्सा जो शूटिंग के दौरान आपके पूरे आपके तीनों के बीच में हुआ हो और जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हो गई हो, कोई एक किस्सा। यही हंसने वाले किससे, आई थिंक हम कोई एक चीज, अभी ऐसा हो गया ना, हम एक दूसरे को इतना जान गए ना, तो कुछ कुछ चीजें जैसे कि सीन के बीच में हो गया, किसी ने कुछ गलत लाइन बोल दी या कुछ ऐसी लाइन बोल दी जिसकी वजह से हंसी आ गई, तो कोई एक इंसान हंस देता है ना, फिर पूरा सेट हंसने लगता है। तो उसकी वजह से थोड़ी देर ऐसे ऐसा लगता है यार अभी लोग हंसने लगे, अभी शूटिंग थोड़ी देर रोको, हंसने अच्छा लग चलिए, जाते हैं, अगर हम बट बहुत अच्छा। अच्छा आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, आपकी और नीति का ऑफ ऑफ कैमरा रिश्ता कैसा है? मतलब कितनी मस्ती करते हैं और कितना एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों? बहुत मैं बोलूंगी बहुत कंफर्ट है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी फ्रेंडशिप। क्योंकि अगर आपके आपका वो कंफर्ट रहता है ना, तो सीन्स में भी नजर आता है। एंड आई थिंक हमारे सीन्स बहुत ज्यादा, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले कोई सीन्स करने की। अगर हमारे ऐसे कुछ ऐसे नोक झोंक वाले सीन आ गए या हमारे फ्रेंडशिप वाले सीन आ गए, तो हम एक आध बार शायद हमने लाइन और हम बोलने लग जाते हैं, बहुत इम्प्रोवाइजेशंस अच्छा होती है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है टेस्ट, तो बहुत मजा आता। अच्छा एक और चीज होती है, जब एक ही सीरीज में दो फीमेल लीड हो या फिर दो मेल लीड हो, तो वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत टसनेबाजी, थोड़ा बहुत जलन की भावना, ये सब दिखाई देती है बाकी सीरियस में। आपके सीरियस में टच वुड बोलते हैं ना आप लोग, वो अभी तक नजर नहीं आई है। जितनी बार भी हमारा कैमरा आया है उसने आप दोनों को साथ मिलकर हंसते खेलते पाया है, तो जानना चाहेंगे ये बॉन्डिंग का राज क्या है? बिल्कुल टचवुड, ऐसा कभी एक्चुअली हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम ऑन स्क्रीन भी अच्छे दोस्त हैं, हम ऑफ स्क्रीन भी अच्छे दोस्त हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और ये सब भावना इधर डे वन से लेके अभी तक कभी आई है और ना ही आगे कभी आएंगी। चलिए हम तो यही चाहेंगे कि आपकी रियल लाइफ दोस्ती बरकरार रहे, और रियल लाइफ में जो दोस्ती थोड़ी बहुत दुश्मनी के कगार पे पहुंच रही है वो वापस से दोस्ती की कगार पे आ जाए। कैसे लोगों को दोस्त देखना है, क्योंकि दोस्तों का याराना देखना है। बस अभी उम्मीद करते हैं ये जो परिणीत है बंजारन की तरह बैठी तो है, जाए थोड़ा सा पता लगाए सच का माजरा क्या है। चलिए बिल्कुल जासूस बनिए, जासूस जासूसी करिए और सच का पता लगाइए, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, परिणीति तो देखिए, सास और बेटे का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे सीरियल में जो भी है बैक स्टेज वाली खबरें वो हम लाके आपको देंगे। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जाते हैं, बाय बाय।